हेलो एवरीवन, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 का एक नॉवल जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माय लाइफ। और ये जो स्टोरी है ये है हेलन केलर की। हेलन केलर एक लड़की है जो कि बहुत पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि क्या थी, डेफ थी और ब्लाइंड थी। डेफ का मतलब था है होता है बहरी, जो सुन ना सके, और ब्लाइंड का मतलब जो देख ना सके। अब क्योंकि वो बहरी भी थी और देख भी नहीं सकती थी, तो उसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और उसकी जीवन में एक टीचर आई जिसने की पूरी इसकी स्टोरी चेंज करके रख दी। और बाद में अपने जीवन में वो इतनी सक्सेसफुल हुई हेलन केलर कि वो लेक्चरर भी बनी, और उसने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी, तो ऑटो ऑटो का मतलब होता है खुद, और बायोग्राफी मीन्स जीवनी, यानी कि उसने अपने जीवन के बारे में खुद लिखा। तो उसने क्या लिखा वो ही हम इस स्टोरी में अब हम पढ़ने वाले हैं, और ये है चैप्टर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलन फेल्ट सम हेजिटेशन वाइल राइटिंग हर स्टोरी। मतलब जब वो अपनी स्टोरी लिख रही थी तो उन्हें काफ़ी हेजिटेशन हो रही थी कि लिखूँ ना लिखूँ। शी थिंक्स राइटिंग डाउन ऑटोबायोग्राफी इज़ अ हार्ड टास्क। उन्हें क्या लग रहा था कि जो अपनी खुद की जीवनी लिखना, अपने खुद के बारे में लिखना आसान नहीं है, ये काफ़ी कठिन है। इट इज़ नॉट ईजी टू प्रेजेंट द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ चाइल्डहुड एज शी कुड नॉट क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन द फैक्ट्स एंड द फैंसी एज लॉट ऑफ ईयर्स पास्ड बाई। अब वो कहती हैं कि ये मेरे लिए आसान नहीं था। देखो जैसे हम हैं, हम अगर अपने बचपन को याद करें तो कुछ कुछ चीज़ें तो हमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल एग्जैक्टली याद रहती हैं जैसे कि वो हुई थी, लेकिन कुछ चीज़ें हमें धुंधली सी हैं, कुछ याद भी नहीं है। कुछ हमारी मम्मियाँ हमें बताती हैं कि बेटे आप ऐसे करते थे। तो वो ये कह रही है कि क्योंकि मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़ थी कि मैं लिखूँ या ना लिखूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें तो मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद थी और कुछ याद भी नहीं थी। शी हैड फॉरगॉटन मैनी इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ हर चाइल्डहुड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स। और अपने जीवन की, अपने बचपन की कई सारी बातों को वो भूल चुकी थी, क्योंकि अब वो काफ़ी सारी नई चीज़ें सीख रही थी। हेलन केलर वॉज बॉर्न ऑन 27 जून 1880 इन टस्कम्बिया, अ लिटिल टाउन ऑफ नदन अलाबामा। देखो ये ध्यान रखने की वाली बात है कि उनका जन्म कब हुआ था, 27 जून 1880 में। कहाँ पे हुआ था, किस जगह में, टस्कम्बिया में, जो कि नदन अलाबामा की एक जगह है। शी वॉज एल्डेस्ट डॉटर ऑफ ऑर्थर एच केलर। उनके यानी पापा का नाम क्या था, फादर का, ऑर्थर एच केलर, ये आपको सबको याद रखना है। हु वॉज अ कैप्टन इन कॉन्फेडरेट आर्मी, जो कि आर्मी में कैप्टन थे, एंड केट एडम्स। और उनकी मम्मी का नाम क्या था, केट एडम्स। हर फादर्स एंसेस्टर्स केम फ्रॉम स्विट्जरलैंड। और उनके पापा के जो पूर्वज थे, यानी कि उनके पापा के जो पुराने लोग थे, मतलब दादा परदादा, वो सब कहाँ से आए थे, स्विट्जरलैंड से आए थे, एंड सेटल्ड इन मैरीलैंड। और कहाँ सेटल हो गए थे, मैरीलैंड में। द बिगनिंग ऑफ हर लाइफ वॉज जस्ट लाइक एनी अदर चाइल्ड। और उनकी जो लाइफ की बिगनिंग थी वो भी किसी दूसरे बच्चे की तरह थी। इट वॉज डिसाइडेड दैट शी शुड बी नेम्ड आफ्टर हर ग्रैंड मदर, बट हर फादर लॉस्ट हर नेम ऑन द वे ऑफ चर्च फॉर बैप्टिज्म। अब जैसे हम लोगों के घरों में होता है ना कि इसका नाम मम्मी के नाम पर रख लिया जाए, पापा के नाम पर रख लिया जाए, या भगवान के नाम से मिलता जुलता रख लिया जाए, तो ऐसे ही उनके घर में ये डिसाइड किया गया कि इसका लड़की का, बच्ची का जो नाम है, इसकी दादी के नाम पर मिलता जुलता रखा जाएगा। लेकिन जब वो बैप्टिज्म के लिए जा रही थी, अब देखो बैप्टिज्म क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ हिंदूज़ में क्या होता है कि जब बच्चे का नाम रखने के लिए पंडित जी आते हैं, या मुस्लिम समुदाय में क्या होता है, मौलवी साहब आते हैं, तो वो इसमें क्या होता है, क्रिश्चियंस में क्या होता है, बैप्टिज्म मतलब चर्च जाते हैं, और चर्च में जो पादरी वगैरह होते हैं, जो वहाँ के मेन प्रीस्ट होते हैं, वो एक वो नाम देते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बैप्टिज्म। तो जब बैप्टिज्म के लिए उसे ले जाया जा रहा था, तो उनके जो पापा थे वो क्या भूल गए थे, वो नाम थोड़ा सा भूल गए थे अपनी दादी का। व्हेन बीइंग आस्क्ड ही टोल्ड हर नेम हेलन एडम्स एंड शी गॉट हर नेम। और जब उनसे पूछा गया, यानी कि उसके पापा से कि भैया क्या नाम है इनकी दादी का, बताओ क्या नाम रखना है, तो उन्होंने बोल दिया हेलन एडम्स, और इस तरह से हेलन का नाम रखा गया। तो आपको क्या याद रखना है, उनके पापा का नाम क्या था, उनकी मम्मी का नाम क्या था, वो कब पैदा हुई थी, और उनका नाम किस तरह से रखा गया। शी कुड वॉक व्हेन शी वॉज अ ईयर ओल्ड। अब देखो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसा नहीं था कि वो जन्म से बेकार, मतलब जन्म से वो जो बीमारी थी वो जन्म से थी, नहीं नहीं जब वो एक साल की थी तब वो बिल्कुल एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह थी। शी कुड वॉक, वो चल भी सकती थी। हैप्पी डेज वर गोइंग ऑन, बट व्हेन शी वॉज 19 मंथ्स ओल्ड शी गॉट इल। कह रहा है कि जो अच्छे दिन चल ही रहे थे, हैप्पी डेज वर गोइंग ऑन, लेकिन जब वो 19 महीने की हुई, यानी कि 2 साल की होने वाली थी, अभी पूरी तरह से 2 साल की हुई भी नहीं थी, तब भी वो क्या होती हैं, बीमार पड़ जाती हैं। द डॉक्टर आइडेंटिफाइड इलनेस एज अ एक्यूट कंजेशन ऑफ द स्टमक एंड ब्रेन।
और डॉक्टर ने क्या आइडेंटिफाई किया कि उनके स्टमक में और उनके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, यानी कोई बीमारी हो गई है। दिस इलनेस टुक अवे हर आईसाइट एंड हर हियरिंग एबिलिटी, और इस बीमारी की वजह से उनकी आँखों की रोशनी भी चली गई, मतलब वो देख नहीं पाती थी, और सुनने की जो एबिलिटी थी वो भी चली गई। ग्रेजुअली शी गॉट यूज टू साइलेंस एंड डार्कनेस अंटिल हर टीचर केम इन हर लाइफ, और मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, वो जो साइलेंस का मतलब, क्योंकि शांत रहती थी, जो बच्चा भाई जो बच्चा सुन ही नहीं पा रहा फिर वो बोलेगा क्या, क्योंकि जब उसे आवाज़, तो उसे भी आदत पड़ गई चुप रहने के लिए और अंधेरे में रहने की। अंधेरे में रहने का मतलब है यहाँ पे भाई जिस आदमी को नहीं दिख रहा, जिस इंसान को, वो तो बेचारा दिन में भी उसके लिए अंधेरा ही है। अनटिल हर टीचर केम इन लाइफ, जब तक कि उसकी लाइफ में टीचर नहीं आई तब तक उसका जीवन मतलब बहुत बेकार सा और मतलब ऐसे अंधेरे में था। अब इस चैप्टर वन में हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या मेन पॉइंट्स थे। नंबर वन, अकॉर्डिंग टू हेलेन राइटिंग, नंबर वन क्या है कि अगर हेलेन के हिसाब से जो बायोग्राफी लिखना था एक डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि कुछ चीज़ें उसे याद थी और कुछ चीज़ें याद नहीं थी। दूसरा इम्पोर्टेंट नोट क्या है कि वो 27 जून को पैदा हुई थी 1880 में टस्कांबिया में, जो कि नदन अलाबामा का पार्ट है। उनके फादर का नाम क्या है, फिर से याद रखना है आपको, आर्थर एच केलर है, जो कि कैप्टन थे कॉन्फेडरेट आर्मी में, और उनकी मदर का नाम था केट। शी वॉज बॉर्न एंड रेज जस्ट लाइक नॉर्मल चाइल्ड अनटिल अ मिस्टीरियस डिसीज टेक अवे हर आईसाइट एंड हर हियरिंग एबिलिटी, और वो बिल्कुल शुरुआत में तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही थी जब तक कि उन्हें कोई एक डिसीज नहीं हो गई। तो ये होता है चैप्टर वन, और अब हम शुरू करते हैं चैप्टर टू। तो चलिए अब शुरू करते हैं जो चैप्टर टू है उसकी समरी शुरू करते हैं हम, हेलेन केलर यानी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ की। तो अब क्या होता है, हेलेन डिडंट रिमेंबर व्हाट हैपेंड टू हर ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ्स आफ्टर हर इलनेस। हेलेन को कुछ याद नहीं है, अब जब वो ऑटोबायोग्राफी लिख रही है तो उसे याद नहीं है जब उसे बीमारी हुई थी तो उसके पहले महीने में क्या हुआ था। शी स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स थ्रू हैंड्स, अब जब वो उसे बीमारी हो गई, जब उसे दिखना बंद हो गया, तो उसने भाई एक अंधा इंसान क्या करता है, हाथों से देखता है कि कोई चीज़ क्या है क्या नहीं है, तो वो उसने भी हाथों से चीज़ों को टटोलना या देखना शुरू कर दिया। आफ्टर हर सिकनेस शी स्टार्टेड यूजिंग क्रूड साइंस टू कम्युनिकेट विद अदर्स, अब उसने क्या कर दिया, साइंस का यूज़ करना शुरू कर दिया, मतलब साइन का मतलब है जैसे इशारा करने, इशारा सा करती थी वो बस, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए दूसरों के साथ। शी लर्न टू फोल्ड एंड पुट, सॉरी, शी लर्न टू फोल्ड एंड पुट अवे द क्लीन क्लोथ्स वर ब्रॉट फ्रॉम द लॉन्ड्री एंड डिस्टिंग्विश हर ओन फ्रॉम द रेस्ट, उसने क्या सीख लिया, कपड़ों को फोल्ड करना उसे आ गया, और उसे ये आ गया कि जो लॉन्ड्री से जो कपड़े धुल के आते थे उसमें से उसके कपड़े कौन से, यानी कि उसके खुद के कपड़े कौन से हैं, और दूसरों के कपड़ों को अलग करना उसे आ गया, वो अपने कपड़े पहचान लेती थी। शी ऑल्सो न्यू दैट शी ऑलवेज बैग्ड हर मदर एंड आंट टू गो आउट विद देम, और उसे अभी भी याद है कि वो अपनी मम्मी से और अपनी जो उसकी आंटी थी उनसे जिद करती थी जब वो लोग बाहर जाते थे कि मुझे भी आपके साथ जाना है, मुझे भी ले चलो। Gradually she realized that she was different from other people because she used signs to communicate with others whereas others talks with their mouths. अब उसे जल्दी ही क्या, उसे पता चल गया कि वो दूसरे लोगों से अलग है, क्योंकि जो दूसरे लोग थे वो तो अच्छी तरह से बोलते थे, बात करते थे, और वो क्या करती थी, कम्युनिकेट करने के लिए साइंस का यूज़ करती थी, इशारे। शी वॉज अ नॉटी चाइल्ड, और वो शरारती लड़की थी, कभी कभी वो बीच बीच में शरारतें भी करती थी, क्या शरारतें करती थी वो अब हम यहाँ पढ़ेंगे। She became friend with a little colored girl, Martha Washington, the daughter of her cook. वो उसकी जो, वो किसकी सहेली बन गई, किसकी दोस्त बन गई, जो एक काली सी लड़की थी मार्था वॉशिंगटन, जो कि उनके घर में जो नौकरानी थी, कुक, खाना बनाने वाली जो लेडी थी, उसकी बेटी थी, उसकी ये फ्रेंड बन गई, कौन, हेलेन केलर। मार्था अंडरस्टूड हेलेन साइंस विदाउट एनी डिफिकल्टी, और उन दोनों का बॉन्ड इतना अच्छा था कि जो मार्था थी, मार्था को जो हेलेन के जो कम्युनिकेशन, जिस तरह से वो कम्युनिकेशन करती थी साइन, इशारे कर करके, वो उसे समझ में आते थे। हेलेन ऑलवेज प्रेशराइज हर एंड मेड हर टू डू व्हाट शी वांटेड टू डू, अब हेलेन भाई कहीं ना कहीं वो नौकर की लड़की है, तो हेलेन उसे हमेशा प्रेशराइज करती थी कि चल ये करेंगे वो करेंगे, और उसे मतलब उस पर दबाव बनाती थी वो करवाने के लिए जो हेलेन चाहती थी। बोथ टुगेदर स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन किचन नीडिंग डो बॉल्स, मेकिंग आइसक्रीम, ग्राइंडिंग कॉफ़ी, क्वारलिंग ओवर केक बॉल एंड फीडिंग हैंस एंड टर्कीज, वो जो दोनों हैं, कौन कौन, हेलेन और उसकी जो कुक की जो बेटी है यानी मार्था, वो दोनों किचन में बहुत सारा टाइम बिताते थे, मतलब छोटे बच्चे जैसे खेलते हैं, नीडिंग डो बॉल्स, छोटे छोटे आटे की बॉल बनाना, आइसक्रीम बनाना, कॉफ़ी को ग्राइंड करना, छोटी छोटी बातों पर लड़ना,
और केक के लिए लड़ना, और जो हैंस और टर्कीज होती हैं उन्हें खिलाना, उन्हें खाना वाना खिलाते थे साथ साथ। दे ऑल्सो हंट फॉर द एग्स इन द लॉन्ग ग्रास, और जो लंबी लंबी घास उगी हुई थी उनमें एग्स ढूंढते थे, किसके, बर्ड्स के एग्स। वंस वाइल ड्राइंग हर वेट एप्रिन बिफोर द फायर शी एंडेड अप गेटिंग टू क्लोज टू द फायर। एक बार वो क्या कर रही थी, उसका जो एप्रिन है यानी फ्रॉक या जो कपड़ा उसने पहना हुआ था वो गीला हो गया था, तो उसे आग के सामने थोड़ा सा सुखा रही थी, और वो आग के इतना ज़्यादा क्लोज आ गई कि उस कपड़े में आग लग जाती है। सडनली द एप्रिन गॉट कॉट फायर, एप्रिन में आग लग जाती है। शी मेड टेरिफाइड नॉइज विच वॉज हर्ड बाई हर ओल्ड नर्स, और उसने इतनी जोर से शोर मचाया कि जो उसकी जो नर्स थी बूढ़ी सी वो सुन लेती है। हु केम एंड रेस्क्यूज हर बाई थ्रोइंग अ ब्लैंकेट ओवर हर, वो आती है और उसे बचाती है, कैसे, उसके ऊपर एक ब्लैंकेट मतलब कंबल उड़ा के उसे। विद द पासेज ऑफ टाइम शी लर्न टू यूज अ की, शी प्लेड अ प्रैंक ऑन हर मदर बाई लॉकिंग हर इन द पेंट्री। और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था उसे की का यूज़ करना आ गया, किस तरह से चाबी लगाते हैं, और अपनी मम्मी पे ऊपर कभी कभी वो प्रैंक खेलती थी, चाल खेलती थी। कैसे, एक बार उसने अपनी मम्मी को पेंट्री यानी किचन में बंद कर दिया। शी ऑल्सो प्लेड दिस प्रैंक ऑन हर टीचर एनी सुलेवन, सुलेवन जो उनकी जो टीचर थी एनी सुलेवन, उस पर भी उसने प्रैंक खेला, और उसे भी एक बार उसने बंद कर दिया था रूम में। हर फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ हर फादर मदर टू ओल्डर हाफ ब्रदर्स एंड लेटर अ लिटिल सिस्टर, उसकी फैमिली में उसके फादर थे, उसकी मम्मी थी, टू ओल्डर हाफ ब्रदर्स। देखो इस चीज़ को समझना है हमें, जो उसके दो हाफ ब्रदर्स, हाफ ब्रदर्स का मतलब है स्टेप स्टेप ब्रदर मतलब सौतेले भाई थे। कहने का मतलब यह है कि उसके फादर की दो शादियां हुई थी, तो जो पहली शादी से जो वाइफ थी उनसे उनके दो बच्चे थे, दोनों लड़के थे, और अब जो जो दूसरी वाइफ थी उनकी उनकी बेटी थी ये हेलेन केलर, और एक छोटी लड़की और थी। हेलेंस फादर वॉज लविंग एंड इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट। हेलेन के जो पापा थे वो कैसे थे, बहुत प्यारे थे, प्यार करने वाले थे और दयालु थे। ही वॉज अ गुड हंटर एंड फेमस स्टोरी टेलर, वो एक शिकारी भी थे और स्टोरी बहुत अच्छी तरह से स्टोरी सुनाते थे। ही यूज टू स्पेल वर्ड्स इन टू हर हैंड एंड शी हैड टू रिपीट देम, वो क्या करते थे, स्पेल करते थे वर्ड्स को उसके हाथ पे, क्योंकि वो वैसे तो सुन नहीं पाती थी और वो उसे रिपीट करती थी। हर फादर वॉज एडिटर अ न्यूज़ पेपर विच शी न्यू लेटर, अब उसके फादर कैप्टन तो रहे थे, उसके बाद वो क्या बन गए थे, न्यूज़पेपर के एडिटर भी थे। हर फादर एक्सपायर्ड इन समर ऑफ 1896 व्हेन शी वॉज इंजॉइंग इन द नॉर्थ, और 1896 में उसके फादर की डेथ हो गई थी जब वो नॉर्थ में इंजॉय कर रही थी। दिस वॉज हर फर्स्ट पर्सनल एक्सपीरियंस विद डेथ, और पहली बार उस छोटी बच्ची को पता चला कि डेथ क्या होती है। शी वॉज जेलस ऑफ हर लिटिल सिस्टर माइल्ड्रेड एज शी फेल्ट दैट हर सिस्टर गेट ऑल अटेंशन ऑफ हर मदर एज शी फेल्ट निगलेक्टेड। कभी कभी जैसा कि हमारे उसमें भी होता है कि जो बड़ा भाई होता है छोटे भाई से जलता है, जब वो बच्चे होते हैं कि उसे लगता है कि मम्मी पापा उसे ही प्यार कर रहे हैं, तो ऐसी तरह से वो भी अपनी छोटी बहन से जलती थी जिसका नाम माइल्ड्रेड था बचपन में, क्योंकि उसे ऐसा लगता था उसकी मम्मी पूरा ध्यान केवल छोटे वाली सिस्टर पर ही देती हैं। वन डे वेन हर लिटिल सिस्टर वॉज स्लीपिंग इन द क्रेडल, एक दिन जब उसकी छोटी बहन, क्रेडल मतलब होता है वो जो बच्चों का झूलने का पालना होता है ना, जिसमें झूलते रहते हैं बच्चे, लेटे हुए रहते हैं। हेलेन ओवर टर्न द क्रेडल बट हर मदर कॉट द लिटिल बेबी एज शी फेल, एक दिन जब उसकी छोटी बहन पालने में झूल रही थी तभी उसने आई और उसने वो पलट दिया, और लेकिन उसकी मम्मी ने उसे गिरने से बचा लिया, किसे, वो जो छोटी बहन थी उसकी। वैन दे ग्रू अप लिटिल ओल्डर दे बिकेम फ्रेंड्स, हाउ एवर हर सिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड हर फिंगर लैंग्वेज, जब वो दोनों बड़े हुए तो वो दोनों आपस में दोस्त बन गए, लेकिन फिर भी जो उसकी जो छोटी बहन थी उसे अपनी बड़ी बहन यानी हेलेन केलर की जो फिंगर वाली जो जिस तरह से वो कम्युनिकेट करती थी वो समझ में नहीं आती। तो ये था चैप्टर 2, अब इसका एक रिवीजन देख लेते हैं क्या क्या इसमें हमने बात करी। आफ्टर इलनेस हेलेन स्टार्टेड यूजिंग क्रूड साइंस टू कम्युनिकेट, है ना, साइंस का यूज़ करती थी कम्युनिकेट करने के लिए। शी बिकेम अ फ्रेंड विद द लिटिल कलर्ड गर्ल मार्था की, वो दोस्त बन गई थी जो कि डॉटर थी उनकी कुक की। शी लर्न टू यूज की प्लेड अ प्रैंक ऑन हर मदर बाय लॉकिंग हर इन द पेंट्री एंड लेटर प्लेड सम प्रैंक ऑन हर टीचर, उसे नॉटी भी थी वो और उसे चाल खेलना आ गया। एक बार तो उसने अपनी मम्मी को बंद कर दिया था पेंट्री में, और जब उसकी टीचर आई थी जिसने उसका जीवन बदल के रख दिया बाद में, उसे भी उसने एक बार बंद कर दिया था। हर फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ हर, उसके पापा थे, मदर थे, दो बड़े उसके हाफ ब्रदर यानी स्टेप ब्रदर थे सौतेले भाई, और एक छोटी बहन थी। शी वॉज जेलस ऑफ हर लिटिल सिस्टर, और अपनी छोटी बहन से वो जलती थी माइल्ड्रेड से जब वो छोटी थी, ऐसा नहीं हमेशा जलती थी, जब वो छोटी थी उस टाइम पे वो जलती थी क्योंकि उसे लगता था उसकी मम्मी का पूरा ध्यान उसी पे रहता है, छोटी बहन पे और बड़ी पे नहीं। तो ये था चैप्टर 2,
आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए अब हम शुरू करते हैं स्टोरी ऑफ माई लाइफ, यानी हेलन केलर की जो स्टोरी है, जो नॉवल है, उसका थर्ड चैप्टर की समरी। विद द पैसेज ऑफ टाइम हेलन डिजायर्स टू एक्सप्रेस हर सेल्फ ग्रू। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, उसकी जो डिज़ायर थी, इच्छा थी अपने आप को एक्सप्रेस करने की, भाई लोगों से बात करने की, वो बढ़ती जा रही थी। फ्यू शाइंस ही यूज टू कम्युनिकेट बिकेम लेस एंड लेस एडिकेट। अब वो जब छोटी थी, जब वो उन साइंस का यूज़ करती थी, तब तो उसका थोड़ा बहुत काम चल जाता था, लेकिन अब उसका काम वो नहीं चल रहा था क्योंकि वो किसी को समझ में नहीं आते थे। शी फेल्ट हेल्पलेस एंड मिजरेबल। वो बिल्कुल मतलब निसहाय अपने आप को, और मिजरेबल, बहुत पुअर कंडीशन में उसने अपने आप को पाया, क्योंकि बेचारी किसी से ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। हर पेरेंट्स वर इन सोरो एंड कन्फ्यूज। उसके मम्मी पापा दोनों ही दुखी थे और कन्फ्यूज भी थे कि भाई क्या करें। देर वॉज नो स्कूल फॉर द ब्लाइंड और द डैफ इन टस्कम्बिया। अब वहाँ पे जहाँ पे वो रहते थे टस्कम्बिया में, वहाँ पे अंधे लोगों के लिए और बहरे लोगों के लिए कोई स्कूल था ही नहीं। वेयर दे लिव, जहाँ वो रहते थे, हर मदर केम अक्रॉस डिकिन्स अमेरिकन नोट्स इन विच इट वॉज रिटन अबाउट लॉरा ब्रिजमैन हु वॉज डैफ एंड ब्लाइंड एंड स्टिल गॉट एजुकेटेड बाई डॉक्टर हावे, बट ही हैड डाइड लॉन्ग अगो एंड हिज मैथड ऑफ टीचिंग प्रोबेबली डाइड विद हिम। अब उसकी मम्मी ने एक बार किसी नोट में ये पढ़ा था, डिकिन्स अमेरिकन नोट में, विच वॉज रिटन अबाउट, जो लॉरा के बारे में लिखा हुआ था, और उसमें क्या लिखा हुआ था कि वो भी क्या थी, वो भी डैफ थी और ब्लाइंड थी, लेकिन उसे पढ़ाया लिखाया किसने, डॉक्टर हावे ने। डॉक्टर हावे जो थे, लेकिन डॉक्टर हावे जिन्होंने उसे एजुकेट किया था, वो अब मर चुके थे, और उनकी जो पढ़ाने का जो मेथड था, शायद वो भी उनके साथ चला गया, मतलब अब कोई भी उस टेक्निक को नहीं जानता था। हेलेंस फादर हर्ड अबाउट डॉक्टर चिशोम, अ फेमस आई सर्जन हु लिव्ड इन बेलिटोमोर। अब उनके जो हेलेन के फादर थे, उन्होंने उन्हें एक डॉक्टर के बारे में पता चला, जिनका नाम क्या था, चिशोम था, जो कि आँखों के सर्जन थे, और जो कहाँ पर रहते थे, बेल्टीमोर में रहते थे, हु हैड सक्सेसफुल इन सेवरल केसेस। और उन्होंने कई सारे सेवरल केसेस, मतलब आई साइट वगैरह कोई ऑपरेशन वगैरह किए होंगे सक्सेसफुल। ही टुक हर टू बेल्टीमोर, और वो उसके पापा उसे कहाँ ले गए, बेल्टीमोर, यानी उस जगह पे ले गए सर्जन के पास। हेलन इन्जॉयड द जर्नी ऑफ द ट्रेन। और उस टाइम हेलन ने क्या इन्जॉय किया, वो जो जर्नी थी ट्रेन की, उसे इन्जॉय किया। शी डिड नॉट एक्सपीरियंस एनी फिट्स ऑफ टेम्पर ड्यूरिंग हर जर्नी एज देयर वर सो मैनी थिंग्स टू कीप हर माइंड एंड फिंगर्स बिजी। उस टाइम जिस टाइम वो ट्रेन में सफ़र कर रही थी पहली बार, उसे कोई खास परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसने अपने आप को बिजी रखा, किस किन किन चीज़ों में, देयर वर सो मैनी थिंग्स टू कीप हर माइंड एंड फिंगर्स बिजी। ठीक है, वो बस सोच रही होगी कि ये आज अलग जर्नी पे मैं आई हूँ, और उसके अपनी फिंगर्स को, मतलब कुछ भी वो कर रही थी, मतलब कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई। दे मैट डॉक्टर चिशोम, बट ही डिड नो गुड टू हर। अब वो डॉक्टर साहब से मिले, अब उन्होंने कहा कि यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता। द डॉक्टर एडवाइज देम टू कंसल्ट डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हु कैन गिव हर प्रॉपर एजुकेशन। अब उन्होंने कहा कि उन वाले डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसा करो, इन्हें अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के पास ले जाओ, वो इन्हें प्रॉपर एजुकेशन ले सकते हैं। दे वेंट टू वॉशिंगटन वेयर दे मेट डॉक्टर बेल। अब एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर का नाम बता दिया, वो वहाँ गए, दूसरे डॉक्टर से मिले डॉक्टर बेल से। ही एग्जामिन्ड हर विद सिंपथी। उन्होंने बहुत दयालुता के साथ उसे एग्जामिन किया कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है लड़की को। द डॉक्टर एडवाइज हर फादर टू राइट मिस्टर एनेग्नोज डायरेक्टर ऑफ द परकिंस इंस्टीट्यूट इन बोस्टन। उसने कहा कि देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप ऐसा करो, जो डायरेक्टर हैं परकिंस इंस्टीट्यूट के बोस्टन में, आप उन्हें कोई पत्र लिखो, और वो ही आपकी इस समस्या का कोई समाधान, इलाज बता सकते हैं। हर फादर रॉट टू द डायरेक्टर एंड द विद इन अ वीक ही गॉट अ पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम हिम। उसके फादर ने ऐसा ही किया, एक लेटर लिखा डायरेक्टर को परकिंस इंस्टीट्यूट के, और उन्हें एक हफ्ते के अंदर वहाँ से पॉजिटिव रिप्लाई मिल गया। दैट अ कॉम्पिटेंट टीचर हैड बीन फाउंड, कि उनकी बच्ची के लिए, यानी कि हेलन के लिए, एक अच्छी टीचर मिल गई है। दिस वॉज समर ऑफ 1886, बट एनी सुलेवियन हर टीचर डिड नॉट अराइव अंटिल द फॉलोइंग मार्च। 1886 का टाइम था जो उसकी टीचर थी एनी सुलेवियन, लेकिन उसकी टीचर तब तक नहीं आई जब तक कि मार्च नहीं आ गया। हु टुक हेलन फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, जो कि मतलब कहने का मतलब टीचर का ही इतना रोल था कि जो एक अंधी बच्ची को डार्कनेस से लाइट में ले गई। चलिए तो ये था चैप्टर 3, इसका मैं देख लेते हैं मेन मेन पॉइंट्स क्या थे। एज हेलन डिजायर टू एक्सप्रेस हरसेल्फ ग्रू शी फेल्ट हर सेल्फ हेल्पलेस। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उन्होंने अपने आप को हेल्पलेस पाया, क्योंकि वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी, और उसके पेरेंट्स भी कन्फ्यूज थे भाई क्या करें बच्ची के साथ। देयर वॉज नो स्कूल फॉर द ब्लाइंड और द
और द डेफ इन द टस्कांबिया वेयर दे, जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे अंधों के लिए और गूंगों के लिए कोई, सॉरी बहरों के लिए कोई स्कूल ही नहीं था। उसके पापा उसे बेल्टीमोर ले गए जहाँ पे उन्हें डॉक्टर चिशोम मिले। उन्होंने क्या कहा कि आप अलेक्जेंडर ग्राम बेल के पास ले जाओ। जब वो अलेक्जेंडर ग्राम बेल के पास ले गए उन्होंने कहा कि आप डायरेक्टर को लिखो जो परकिंस इंस्टीट्यूट के, और उनके फादर ने उन्हें लिखा। वहाँ से उन्हें एक पॉजिटिव रिप्लाई आया और वहीं से एक टीचर मिला। तो ये था चैप्टर 3। आगे के पार्ट्स में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। तो आई होप कि ये जो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है कैसी लगी। थैंक यू सो मच।